भाई साहब, भारत देश में पांडे जी के बाद जो इज्जत कमाई है ना, वो सरकारी नौकरी ने कमाई है। आईफोन तो ओवर रेटेड है जी, एक किडनी में आ जाता है। सरकारी नौकरी यहां अटैक करता है। गली का हर दूसरा लोंडा अपनी जवानी झोंक रहा है, अपनी अपनी वजह है। किसी को इंतकाम पूरा करना है, किसी को इज्जत चाहिए, तो किसी को चाहिए रिंकी। और भाई साहब, इतनी तैयारी ओलंपिक का करते ना, तो खुदा कसम डायमंड ले आते। डायमंड होता नहीं है, हमारी तैयारी देख के देते। और आज से नहीं, बचपन से। पैदा हुए तो पिताजी बोले वाह सरकारी नौकर हुआ है। नर्स ने शगुन मांगा तो बोले लंच के बाद आना। हम बचपन में खिलौना मांगे तो हमको ल्यूसेंट पकड़ा दिए। दादी को कहानी सुनाने को बोले तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के किस्से सुना दिए। भाई साहब, तीन दोस्त तीनों गर्लफ्रेंड लिए घूमते थे, हम गर्लफ्रेंड नहीं बनाए। सोचे थे सरकारी नौकरी लग जाएगा तो तीनों में से ही एक का गर्लफ्रेंड हटाएंगे। तीनों घर बसा लिए और हमारा तैयारी चल रहा है। भाई साहब, बेरोजगार लौंडे का और उसके बाप का रिश्ता ना टोनी कक्कड़ और संगीत जैसा होता है, कंगना और लॉजिक जैसा होता है, कमजोर। कभी कभी लगता है जिंदगी जिंदगी नहीं, क्रिकेट हो गई है। हम गेंद फेंक रहे हैं, सरकार लप्पा घुमा रही है और पिताजी कह रहे हैं ठोको भाई ठोको। भाई साहब, बेरोजगार लौंडों के घर में ना सब्जी नहीं बनती है, तानों से रोटी खाते हैं। पर लगे हुए हैं, कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। हमको फीका चलेगा भाई, हमको कोई जरूरत नहीं है हमको फीका, हमको सिर्फ फल चाहिए। पर करेंगे इंतकाम तो पूरा करेंगे। क्या कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे।